हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अभी जस्ट बेटी को स्कूल छोड़ के आई हूँ। और आज सुबह जल्दी से नहाना पड़ा मुझे, क्योंकि मैंने कल संडे था ना, तो कल मैंने ड्रेस डाल दिया था और अभी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाना था, तो मैंने ये साड़ी पहन लेनी थी, तो उसकी वजह से मैंने जल्दी से नहा ली थी मैं, और मैं उसको छोड़ के आई हूँ। वैसे मैं ड्रेस में भी छोड़ने जा सकती थी, लेकिन क्या होता ना, कुछ लोगों को पसंद नहीं है मेरा ड्रेस पहनना, तो उसकी वजह से मैं साड़ी डाल के गई थी। और हाँ, कभी कभी मैं जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज मैं साड़ी डाल देती हूँ, तो उसकी वजह से जल्दी नहा के आ गई हूँ। और यहाँ पर लोगों को बहुत तकलीफ होती है मेरे ड्रेस पहनने से, मतलब मेरे सामने तो कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन पीछे पीठ पीछे बहुत बुराइयां करते लोग, तो करने दो, वैसे मुझे क्या लेना देना है उन लोगों से। तो बस अभी जस्ट उसको छोड़ के आई हूँ और नहा भी ली हूँ, और अभी मेरा भी काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैं इसका जो वैक्सीन दिलाना था वो मैं जाने वाली थी, सैटरडे को गई थी, और हाँ सैटरडे को गई थी, तो उस दिन भी वहाँ पे हॉस्पिटल में इंजेक्शन खत्म हो गए थे, तो उसकी वजह से लगा नहीं था, तो बोला था आप मंडे को आना, तो अभी आज हम लोग जाएंगे, देखते हैं लगता है या नहीं है, वरना फिर हम लोग धारी जाएंगे नरे, जहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर हम लोग इसका वैक्सीन दिलवा के आएंगे। तो देखते हैं पहले इधर जाते हैं या उधर जाते हैं, आपको भी साथ में लेके चलेंगे। और बस, तो अभी जल्दी से खाना, रोटी तो मैंने बना ली है, जल्दी से मैं सब्जी बना देती हूँ और फिर कपड़े वॉश करने, तो मैं कपड़े धो देती हूँ। और ये देखिए, मैंने ग्रीन प्याज को रोटी बना ली थी, उसके बाद में कट कर लिया था, तो अभी मैं इसकी सब्जी बना देती हूँ। और रोटी अभी बना ली थी और मैं देखिए ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, तो अभी मैं इनको टिफिन में डाल देती हूँ, क्योंकि लेट हो रहा था काफी, मुझे आज सुबह सुबह नहाना पड़ा ना, तो उसकी वजह से काफी लेट हो रहा था, तो मैं ऐसे ही सब छोड़ के गई थी। तो अभी जल्दी से क्या करती हूँ कि मैं जल्दी से पहले सब्जी बना देती हूँ और फिर ये जो बर्तन है उनको भी वॉश कर लूंगी और फिर बाद में कपड़े धोऊंगी। तो रात को जो दाल और चावल बच गए थे ना, तो उससे हमेशा क्या होता है कि मैं चावल सुबह फ्राई कर लेती हूँ, तो हम सबका नाश्ता हो जाता है, लेकिन आज थोड़े ही थे, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से मतलब दूसरे कुछ बना देती हूँ, पराठा, तो उससे नाश्ता हो जाएगा, लेकिन फिर नाश्ता मैंने किया नहीं था, तो अभी मैं इसको स्कूल छोड़ के आई हूँ, तो अभी मैं भी नाश्ता कर लूँगी, और यहाँ पर सब्जी भी मेरी बन गई है, तो अभी मैं जो भी है क्लीनिंग का काम है जो वो कर लूँगी साथ साथ में। और अभी है ना एकदम से गर्मी भी बहुत हो रही है, और मतलब कभी कभी पंखा चालू करते हैं तो ऐसा लगता है सर्दी हो रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है मतलब बहुत ही तेज़ गर्मी हो रही है, तो इस वजह से बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में हम लोग ठीक हुए हैं।
1 महीना तक हम मतलब घर पे सब बीमार हो गए थे। मतलब कभी ये बीमार होता है, कभी ये बीमार होती है, मतलब ऐसा चल रहा था। एक साथ में कोई नहीं था, लेकिन एक हम में हर कोई बीमार रहता ही था घर पे। लेकिन फाइनली अभी ठीक है सब, तो अच्छा है। और यहाँ पर देखिए, बातों बातों में मैंने सारे बर्तन भी धो दिए हैं। अभी जल्दी से किचन काउंटर को भी पोंछ लूँगी। और यहाँ पर जब तक मैंने अंदर काम किया ना, खाना बनाया, किचन काउंटर क्लीन किया, तब तक इसने मेरे आज जो ऑयल का बोतल था वो सारा खाली कर दिया है। देखिए, इसने खुद को भी पूरा ऑयल में कर दिया है, और यहाँ पर पूरे फर्श पे उसने ऑयल गिरा दिया है, और मतलब चेयर वगैरह सब पे ऐसे ऑयल डाल दिया इसने, और काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए, आप भी देख सकते हो, देखिए पूरे घर पे ऐसे ऑयल ऑयल हो गया है। तो अभी मैं क्या करूँगी, जल्दी से इसको साबुन से धो लूँगी दोनों कुर्सियों को, और फिर पोछा लगाऊंगी जल्दी से, क्योंकि मैं भी फिसल सकती हूँ और बच्ची भी फिसल सकती है। क्योंकि जब भी थोड़ा बहुत पानी रहता है ना, तो अब लोग ऐसे ही गिर जाते कई बार। तो अभी मैं जल्दी से इसको पोछ लूँगी और पोछा लगा दूँगी। और ये देखिए, मैंने इसको पहले नहला दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, और मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे पास भी आ रही थी और मैं नहा के आ गई थी ना, तो उसकी वजह से मेरी साड़ी भी ये ख़राब कर देती थी। तो इसको मैंने पहले नहला दिया है, और अभी जल्दी से मैं क्या करूँगी, साथ में झाड़ू लगा के पोछा लगा दूँगी, और ये चेयर है इनको भी धो दूँगी। और इसका क्या है ना, जब भी इसको नहला के लेके आती हूँ ना, तो इसको लेके बैठना पड़ता है, वरना ये फिर बहुत ही ज़्यादा अपने नाटक दिखाती है। और देखिए, यहाँ पर मैंने इसको रेडी कर लिया है, और देखिए इसने चॉकलेट मतलब सब खा खा कर बहुत सारा कचरा भी बिखेर दिया है। तो मैं अभी जल्दी से झाड़ू लगा दूंगी, और फिर मैं बाद में पोछा लगाऊंगी। और काफ़ी ज़्यादा कचरा करती है ये, तो मतलब कुछ ना कुछ दिन भर गिरती ही रहती है। और मतलब कुछ भी दो इसे, सिप्स दो या फिर कुछ भी खाना वगैरह दो, तो भी ये गिराती है। मतलब दिन में कम से कम मुझे 2 बार 3 बार पोछा लगाना ही पड़ता है। और यहाँ पर जैसे ही मैं पोछा लगाने लगी, तो बाहर मैंने कपड़े डाल दिए थे, तो बारिश आ गई थी, तो मैं वापस से कपड़े अंदर लेके आ गई हूँ। तो कुछ कपड़े मैंने खिड़की में डाल दिए हैं, और कुछ जो मैंने किचन में ये रस्सी बांध रखी है, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और अभी जल्दी से मैं पोछा लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैं वीडियो जैसे ही बनाने लगी ना, मतलब पोछा लगा रही थी, उस टाइम क्या हुआ कि इसने मोबाइल ले लिया था, तो अभी भी ये मोबाइल देख रही थी, तो मैंने इसको टीवी लगा के बिठा दिया है थोड़े टाइम के लिए। तब तक मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि ये मोबाइल छोड़ती नहीं है, तो मैं उसे मतलब कुछ ना कुछ दे देती हूँ, या फिर उसको थोड़े टाइम के लिए ऐसे मना लेती हूँ कि ये टीवी देखे, तो बस रिमोट दे देती हूँ, वरना तो ये बैठती नहीं है, तो रिमोट दे देती हूँ तो ये बैठ जाती है। तो चलिए, अभी बेटी भी आने वाली है, तो मैं यहाँ पर खाना लेके आ गई हूँ। और अभी वो जैसे आएगी ना, तो उसका हाथ मुँह धुलवा के हम लोग खाना खा लेंगे। और इसको देखिए, भूख लगी है, तो ये खाने बैठ गई है। और मुझे इसका खाना का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इसको जब भी भूख लगती है ना, तो ये मुझे बोल देती है और खा भी लेती है। लेकिन वीरू का इतना दिक्कत है ना, उसको भले दिन भर पूछो ही मत खाने का, वो बोलती नहीं है कि मुझे खाना खाना है। करके आज शाम को पापा ने कहा था क्या, शाम को मैगी बनाना है। गाइस देखिए यहाँ पर मैगी बन रही है। ओहो गाइस, मैगी बन रही है। चलो नीचे उतरो। गाइस फिर करते कभी लाइक चैनल सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब। तो चलिए, मैगी बन गई है और अभी हम सब लोग खा लेते हैं, है ना? चलो। और यहाँ पर शाम का टाइम है, मतलब 5 बज रहे हैं, और इन दोनों को भूख लग रही थी, क्योंकि इन्होंने खाना प्रॉपर नहीं खाया था। मतलब
खिलाती हूँ तो खेलने लग जाती है, और ये जब एक उड़ती है ना तो दूसरी भी उड़ जाती है, तो इन दोनों का ऐसा ही लगा रहता है। तो अभी बोल रही थी कि मुझे भूख लगी है, तो मैंने कहा अभी मैं मैगी ही बना देती हूँ, क्योंकि 5 बजे हैं और इतना जल्दी खाना बनाऊंगी तो फिर रात के मतलब 8-9 बजे खाएंगे तो ठंडा भी हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है मैगी बना देती हूँ, तो इन्हें बोला ठीक है मैगी बना दो। और इसका मैगी मतलब दोनों अच्छे से खा लेती क्योंकि दोनों को पसंद है। तो यहाँ पर मैंने मैगी बनाई है और हम लोग खा रहे हैं, आप भी आ जाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।